हेलो फ्रेंड्स, मैं रागनी और आज हम सीखेंगे ब्लाउज का बैकनेक डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स देखिए, इस डिज़ाइन को मैं बोटनेक में बना रही हूँ, तो आपको भी अपने साइज के हिसाब से बैक पार्ट को बोटनेक में कट कर लेना है। यहाँ पे मेन कपड़ा और अस्तर दोनों की कटिंग कर ली है मैंने। इससे मैं 36 साइज में बना रही हूँ, आप अपने साइज के हिसाब से कट कीजिएगा। तो 36 साइज में शोल्डर 7 इंच और आर्म होल की लंबाई यहाँ से हम 6.5 इंच ली है, आधा इंच शोल्डर डाउन करने के बाद। यहाँ पे टोटल लंबाई 16 इंच में लिए हैं, क्योंकि 15 इंच में इसे रेडी लेंथ हमें रखना है। इसका सीने का चौथाई भाग 9 इंच और 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, ऊपर से गले की चौड़ाई हम ले लेंगे 4 इंच में 2 सूता कम, और लंबाई भी उतना ही हम ले रहे हैं 4 इंच में 2 सूता कम। तो इस तरह से ऊपर वाले गले की लंबाई ले लेनी है, और यहाँ से नीचे से भी गले की चौड़ाई 3.5 इंच 2 सूता ले लेंगे। इस तरह से 4 कोर बॉक्स रेडी कर लेंगे। यहाँ पे बॉक्स को रेडी करने के बाद से फ्रेंड्स देखिए, गले की जो टोटल लंबाई है आपको यहाँ से मार्क करना है। तो गला का टोटल लेंथ मैं 11.5 इंच में ले रही हूँ, आप अपने पसंद के हिसाब से लंबाई को कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से 1 इंच की दूरी पर एक मार्किंग करेंगे, यानी 1 इंच आपको छोड़ देना है यहाँ से, और 2.5 इंच में इसकी गले की चौड़ाई ले लेंगे। देखिए 2.5 इंच में इसकी चौड़ाई ले रहे हैं, नीचे वाले गले की नीचे से भी 2.5 इंच की चौड़ाई लेंगे, और इस तरह से सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि नीचे वाला जो गला है ना, हमको पतले में बनाना है। देखिए 6.5 इंच लेंथ है, तो इसका हाफ कर लेंगे यहाँ पे, यानी बीच में आपको मार्क कर लेना है। और मार्क करने के बाद से देखिए, कॉर्नर से आपको 2 इंच में 2 सूता कम, फिर दूसरे कॉर्नर पर भी आपको 2 इंच में 2 सूता पर मार्किंग करनी है। और यहां से देखिए, हल्का सा सेफ देते हुए ना, दोनों साइड आपको कोना बनाना है डिजाइन में, जैसे नाई वाला जो सेफ होता है ना, उस तरह से आपको कर लेना है। तो यहाँ पे मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है देखिए। और मार्क को करने के बाद से अब हम ऊपर के गले में सेफ देंगे। तो यहाँ से देखिए, कॉर्नर से 1.5 इंच पर एक तीर का निशान बनाएंगे, और उसी निशान को आपको टच करते हुए ऊपर वाले गले में बोटनेक का सेफ देना है। यहाँ से ऊपर वाला जो सेफ है वो भी कंप्लीट हो गया है, और अब हम देखिए यहाँ से कट कर लेंगे। तो ध्यान देना है आपको, बस ऊपर वाला जो मार्किंग है ना, ऊपर वाला बोटनेक को आपको कट करना है, नीचे वाला नहीं कट करेंगे। यहाँ पे पेपर पेस्टिंग लेंगे, देखिए इसको डबल फोल्ड करके हम रखे हैं, डबल फोल्ड करके नीचे वाला जो सेफ है ना, उसके ऊपर आपको रखना है, और बीच से इसको खोल लेना है। यहाँ पे देखिए, जो नीचे मार्किंग हम किए हैं ना, मार्किंग बहुत ही अच्छे से दिख रहा है। तो बस आपको करना क्या है, सेंटर पर देखिए इस तरह से मार्क कर लीजिए, और उसके बाद से जो हम मार्किंग किए हैं ना बैक पार्ट के ऊपर, बस उसी मार्किंग को आपको एकदम एग्जिट उसी के हिसाब से इस पर मार्क कर लेना है। इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है, आप चाहें तो उस मार्किंग को डायरेक्ट पेपर पेस्टिंग के ऊपर भी कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, पेपर पेस्टिंग के ऊपर ही हम इसको कट करेंगे, बैक पार्ट के ऊपर आपको गले को नहीं कट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, गले को कट करने के बाद से हम यहाँ से बाहर के साइड आधा इंच पेपर पेस्टिंग छोड़ते हुए उसे भी कट कर लेंगे, और कट करने के बाद से इसको हम कॉटन के कपड़े के ऊपर रख करके प्रेस से पेस्ट कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए, पेस्ट करने के बाद से आधा इंच कपड़ा बाहर के साइड बाकी कपड़े को कट कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट किए ना, उसको फोल्ड करते हुए कॉर्नर पर सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, सिलाई लगाने के बाद से कपड़े को फोल्ड करके अब हम इसको कर लेंगे साइड में, और यहाँ पे मेन कपड़े को लेंगे, यानी जो हमारा ब्लाउज का पीस है, मेन कपड़ा उसको लेंगे, और उसके सीधे साइड ना हम ऊपर वाले गले को अच्छे से सेट करके रखेंगे बीच में, और एक चाप कपड़ा मार्जिन में दबाते हुए पूरे गले को स्टिच कर लेंगे, जो ऊपर वाला हमारा गला है। इसको स्टिच करने के बाद से इसका अंदर का जो भी कपड़ा है ना, उसको कट करके निकाल लेंगे, बस सिलाई के बाद आपको एक चाप कपड़ा मार्जिन में छोड़ देना है। कपड़े को कट करने के बाद से इसे हम पलट लेंगे, छोटा छोटा कट लगाएंगे पूरे राउंड में और पलट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा करके ऊपर वाला जो बोटनेक है ना, उसको पहले हम सेट कर लेंगे।
सिंपली आपको एक चाप की दूरी पर सिलाई लगाना है और उसको सेट कर लेना है। गले को सेट करने के पास से अब हम देखिए इसे उल्टा साइड करेंगे और उल्टा साइड करके पूरे अस्तर के किनारे पर सिलाई लगा करके उसको मेन कपड़े के साथ ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मेन कपड़े के साथ सेट करने के बाद से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना अस्तर के बाद, उसको हम कट करके क्लीन कर लेंगे। कट करके क्लीन करने के बाद से फ्रेंड्स देखिए आपको करना क्या है, यहां से नीचे से भी आपको इसे बराबर कर लेना है और अब हम इसे बीच से फोल्ड करेंगे। बीच से फोल्ड करके आपको सेंटर मार्किंग करनी है, यानी इसके बिल्कुल बीचों बीच में आपको निशान बना लेना है ताकि जो नीचे वाला गला है ना वो बिल्कुल सेंटर में सेट हो। यहाँ पे निशान बनाने के बाद से जो हम गला पट्टी रेडी करके रखे थे उसको लेंगे और ऊपर से आपको ध्यान देना है, यहाँ पर 1 इंच छोड़ करके इसको सेट करना है। दोनों साइड आपको पिन लगा देना है ताकि सिलाई करते टाइम इधर उधर ना खिसके। यहाँ से देखिए दोनों साइड पिन लगाएंगे और पिन लगाने के बाद से अब हम जिस तरह से कटिंग हुआ है ना पेपर पेस्टिंग पर, बस उसी को देखते हुए यहाँ पे देखिए उसको चिपकाते हुए सिलाई लगाएंगे पूरे गले के ऊपर। यहाँ एक चीज आपको ध्यान देना है, सिलाई आपकी पेपर पेस्टिंग के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। यहाँ पे देखिए चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद से फ्रेंड्स देखिए अब हम इसके अंदर का जो कपड़ा है ना उसको कट कर लेंगे। अब पूरे कपड़े को कट करने के बाद से छोटा छोटा कट लगाएंगे और जहां कोना है वहां पर फिनिशिंग के साथ आपको कट लगाना है। नाखून से हल्का सा प्रेस करते हुए ना पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करने के बाद से आप इसके ऊपर प्रेस लगा लें, नहीं तो फिर देखिए एक चाप के दूरी पर सिलाई लगाते हुए इसको सेट कर लें। ऊपर से आपको फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है अच्छे से और यहाँ पे देखिए कोना पर आपको सुई को रोक करके यहाँ से कपड़े को घुमाना है और फिनिशिंग की जो सिलाई है ना उसको लगाने के बाद से यहाँ पे नीचे वाला भी नेकलाइन हमारा रेडी हो गया है। और इसको रेडी करने के बाद से फ्रेंड्स देखिए अब हम नीचे के साइड कमर पट्टी ज्वाइंट करेंगे। नीचे से देखिए आधा इंच सिंपली हम कपड़ा पकड़ेंगे सिलाई में और इस पट्टी को हम सीधे साइड से ज्वाइंट करके अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। पट्टी की चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है और यहाँ से देखिए पट्टी को बाहर की साइड पलटने के बाद से इसके ऊपर एक फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे और अब हम इसको उल्टे साइड करके ना इस ये वाली जो सिलाई है जो हम अभी लगा रहे हैं उस सिलाई को आपको कच्ची सिलाई लगानी है क्योंकि तुरपाई करने के बाद से ना इस सिलाई को हम निकाल देते हैं। देखिए कमर पट्टी सेट करने के बाद से अब हम इसमें टक्स लगाएंगे, तो जिस तरह से नॉर्मल ब्लाउज में आप टक्स लगाते हो उसी तरह से आपको इसमें भी लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों साइड टक्स लगा लेंगे। और देखिए टक्स लगाने के बाद से यहाँ पे मैं 1.5 इंच लंबाई चौड़ाई में चारकोर कपड़ा ली हूँ और इस कपड़े को आपको करना क्या है, बटन बनाना है। चारों तरफ से इसका जो कोना है एकदम बीच में फोल्ड करना है और बीच में फोल्ड करने के बाद से जो बटन है बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और बटन को सेंटर में रखते हुए यहाँ पे सुई धागे के मदद से आपको पूरे कॉर्नर को एकदम बीच में खींचना है। देखिए इस तरह से बीच में खींचने के बाद से फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, इसमें हम जो भी कोना है ना बस आपको अंदर की साइड सुई धागे से खींचते जाना है और गोलाई का शेप देते जाना है। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए आप जिस कलर का चाहें उस कलर का बटन बना सकते हैं बहुत ही इजीली और कपड़े का बटन कहीं चुभने का भी प्रॉब्लम नहीं होता है, तो आप लोग जरूर ट्राई करें। यहाँ पे थोड़ा सा कलरफुल ब्लाउज नहीं है, आप कलरफुल के ऊपर ये वाला डिजाइन बनाएंगे तो बहुत ही फैंसी लुक देगा।
और यहाँ पे मैं बटन को ऊपर के साइड सेट कर रही हूँ, बिल्कुल सेंटर में आपको सेट करना है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए बस एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जो बैक पार्ट है ना, शोल्डर आपको फुल शोल्डर लेना है, जितना शोल्डर का चौड़ाई है उतना लेना है, नहीं तो फिर बीच में खिंचाव आने लगेगा। देखिए यहाँ से बटन को सेट करेंगे, तो मैं इसे 36 साइज में बना रही हूँ, तो 7 इंच शोल्डर ली हूँ। आप 32 साइज का बनाइएगा तो 6.5 इंच शोल्डर लीजिएगा। अगर आप 36 से भी हैवी साइज का बना रहे हैं, जैसे 38-40 साइज का, तो उसमें आपको शोल्डर 7.5 इंच लेना है और आर्म होल की लंबाई 7 इंच लेना है। अब यहाँ से देखिए, जो ऊपर वाला बटन सेट किए थे ना, उसी तरह से मैं 3 बटन बना के रखी हूँ। तीनों बटन को आपको नीचे के साइड सेट करना है, और एक बटन यहाँ भी मैं आपको सेट करके बता दे रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे कपड़ा का जो बटन होता है ना, उसको आपको एकदम अच्छे से सेट करना होता है। चारों तरफ से आपको एक एक, यहाँ से किनारे पर एक एक टक मार देना होता है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं चारों तरफ से इसे सेट कर रही हूँ ताकि पहनने के बाद से निकले ना। अब देखिए, इसको उल्टे साइड करके एक दो बार रिपीट करके बांध लेंगे, और बांधने के बाद से 2 बटन मैं इसी तरह से रेडी कर ली हूँ। बटन को लगाने के बाद से फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। फाइनल लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही फैंसी आया है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।